Going to discuss about Vedic maths. So, ये आपका पहला chapter Vedic maths का है और इसका पहला session हम ले रहे हैं और this means क्या है? आज हम लोग Vedic maths से एक अपना introduction करते हैं. ये जो Vedic maths है, ये एक बहुत पुराना method है how to do the numerical calculation. लेकिन धीरे-धीरे हमारे और methods आ गए. अगर हम अपने प्रीवियस हिस्ट्री में जाएं तो विद दीज मेथड्स जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो इस मेथड की हेल्प से अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे. सो इन दिस सेशन जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे 16 सूत्रास ऑफ वैदिक मैथ्स. कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके नाम तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन हमें नाम तो मालूम होने चाहिए क्योंकि जब आप आगे जाके और थोड़ा सा एडवांस वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे ये सूत्रास कितने हेल्पफुल होते हैं. मे बी अभी जब मैं आपको नाम बोलूंगी आपको बहुत एक वियर्ड लगेगा कि ये क्या नाम है, बट धीरे धीरे व्हेन वी विल मेक कनेक्शन विद द थिंग्स ऑफ या विद दीज सूत्रास तब आपको समझ में आएगा ओके दिस इज द मीनिंग. चलिए हम पहले 16 सूत्रास को डिस्कस करते हैं. हमारा पहला नाम क्या आ रहा है? निखिलम नवतस करमम दसतः. ये थोड़े से संस्कृत के हमारे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने करा था तो ये थोड़ा हमें संस्कृत का टच इसमें मिलता है. इसका अगर हम एक मीनिंग देखें तो जो हम डिजिट्स हमने जो कैलकुलेशन में लेते हैं ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब इसका आपको और ज्यादा क्लियर होगा. और इसका हम एप्लीकेशन का करते हैं जहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन बाय 9 एंड बेस मेथड या डिवीजन बाय 9 या एन नंबर लेस देन द बेस, जो हमारा बेस नंबर होता है उससे जब करते हैं तब हम ये जो हमारा इसका ये जो सूत्र है इसको यूज करते हैं. फिर है अंत्य योर रेवा. इसका मतलब है हम जो कंसिडर करेंगे वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द लास्ट टू डिजिट्स, और ये तब हम करते हैं जब हम मल्टीप्लीकेशन बाय 11 के हम मीन्स 11 के मल्टीपल में हमें कोई डिजिट्स को मालूम करना होता है. फिर हमारा नेक्स्ट आता है सोपन त्याद्य मंत्यम, और इसका मतलब होता है द अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट. मीन्स हम जो 12 के मल्टीप्लीकेशन में अगर हमें कोई नंबर निकालना होता है देन वी यूज दिस सूत्रा. फिर आ गया हमारा एक नेव नेना पूर्वेना. ये क्या आ गया? बाय वन लेस देन द वन बिफोर. तो ये सब आप देखेंगे, ये अभी मैंने जैसा आपको बताया था ये अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और हम ये बताएंगे कि हम इस सूत्रा से कनेक्ट कर रहे हैं तब आपको ये सूत्रास और ज्यादा क्लियर होंगे. और ये हमारा मेन होता है जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 का प्रिंसिपल लेकर चलते हैं. फिर हमारे पास ये और हमारे सूत्रास आ गए हैं जैसे अनुरूपेना. हाँ, इसमें हम जब प्रोपोर्शन का करते हैं, जैसे प्रोपोर्शन लेते हैं ना 2:3 9:7, तब हम इस सूत्र का यूज करते हैं. फिर हमारा आ गया ऊर्ध्वतिर्यग्भयम्. ये आ गया जब हमें कोई नंबर अगर हम वर्टिकल या क्रॉस वाइज कि जब हम डायगोनल में किसी नंबर्स को देखते हैं तब हम इस सूत्र का को कंसिडर करते हैं. तो इस टाइप से आप देख रहे हैं हमारे डिफरेंट सूत्रास जा रहे हैं. फिर है पर्वातर्योजवयत, जब हम ट्रांसपोर्ट से तो ये एंड अप्लाई करते हैं या डिवीजन ऑफ नंबर्स मोर देन द बेस. तो ये हमारे थोड़े से जब हम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आगे चलते हैं इस वे में हम देख रहे हैं कि हमारे सूत्रास चल रहे हैं. तो ये सब नाम अभी ये आपके सामने हैं, आप थोड़ा सा अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इन नामों को, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे यू विल कम टू नो मोर अबाउट दीज सूत्रास.
जैसे हमारा एक और आ रहा है ध्वज कनका, तो ये देखिए यहाँ पे ध्वजन का ध्वज से रिलेटेड है, फ्लैग से रिलेटेड है, ऑन टॉप ऑफ द फ्लैग। दिस मीन्स जब हम एक स्ट्रेट डिवीजन की बात कर रहे हैं तब हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। सो ये हमने 16 सूत्रास थे, हमने सब थोड़े के नाम पढ़े, थोड़े आप पढ़ के देखिएगा क्योंकि नाउ इट इज टाइम टू मूव फर्दर इन द सेशन। अब हम इसमें देखते हैं वैदिक मैथ्स में यूज ऑफ विनकुलम नंबर्स। नाउ इन वैदिक मैथ्स क्या होता है, वी यूज लॉट ऑफ विनकुलम नंबर्स। विनकुलम नंबर्स क्या है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं दे आर दोस नंबर्स विच हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। आप कहेंगे ये कौन से नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं 12, तो यहाँ पे 12 पे आप क्या देख रहे हैं, 2 के ऊपर हमने एक बार लगा रखा है, तो दिस मीन्स यहाँ पे 1 इज द पॉजिटिव एंड 2 इज द नेगेटिव। तो जब अभी हम आपको कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसे हम ये 2 नेगेटिव मानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर है 9 का, अब ये हम विनकुलम नंबर्स के ही कोई थोड़े से एग्जांपल्स देख रहे हैं। 9 को इन व्हाट अदर वे कैन वी राइट, 9 को हम लिख सकते हैं 10-1। 9 का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, 10-1। अब 10-1 को हम अब जब अभी हमने जो देखा है विनकुलम नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक एक 11 फॉर्म में और इसके ऊपर बार। तो दिस मींस क्या हुआ, यहां पर हम इसको मानेंगे 10 और 10 में से अगर हम -1 ये जिसके ऊपर बार है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें ये नंबर मिलेगा। सम मोर एग्जांपल्स देखते हैं 8 को हाउ कैन वी राइट 10-2, है या नहीं है, लेकिन विनकुलम नंबर में हम इसको कैसे लिख सकते हैं 12 विद अ बार। तो यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे, इस 2 की जगह हम 10 कंसीडर करेंगे और ये वाला जो 2 है हम 10 में से माइनस कर देंगे। सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10 हमें मिलेगा 8। और बड़े नंबर्स देखते हैं 99, तो 99 कैन बी रिटन 100-1। 100-1 मीन्स क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो 10 हमने पूरा लिया, इस 0 की जगह हमने यहां 1-, है ना, हमने बार लगाया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो है इस 1 की जगह हम 0 लिखेंगे एंड -1, हमें मिल गया 99। इस 996, तो हम आगे क्योंकि मेन जो इसमें हमारा टारगेट चल रहा है टू टेक द बेस ऑफ 10, तो अगर आप हमारे जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में नेम्स बोले थे तो वहां पे आपने देखा था, क्या देखा था कि हम 10 बेस की बात कर रहे थे। सो 10 बेस अगर हमें मिल गया, नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस 1000-4 एंड दिस कैन बी रिटन लाइक 4 विद अ बार, तो दिस इज द नेगेटिव नंबर इन दिस गिवन नंबर। सो 987 1000-13, तो ये 13 मींस 1000 जो हमारी टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स का जो जीरो के साथ बेस बन के जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है उसमें से अगर हम ये बार है ना 13 के ऊपर ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, बट इस सेशन को 2-3 बार आप जब देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, हमें पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा। मूविंग फर्दर, एडिशन इन वैदिक मैथ्स, ये जो होता है दिस कैन बी डन बाय वेरियस मेथड। हम जनरल क्या है एडिशन, हम क्या है एक ही मेथड जानते हैं कि सब ऐड करते जाए, लेकिन वैदिक मैथ्स में देयर आर डिफरेंट मेथड्स, कैसे जिस टाइप के नंबर्स होते हैं द मेथड इज डिफरेंट। सो इन जनरल हम लोग अगर जो ऐड करते हैं हम वी ऐड फ्रॉम वंस राइट साइड से, है ना, 26, 18, 11, तो हम यहां से ऐड करना शुरू करते हैं 8+6 14 एंड 1 15,
हम राइट साइड से करते हैं, मीन्स हम सबसे पहले वंस करते हैं एड एंड देन वी एड टेंस. लेकिन वैदिक मैथ्स में क्या होता है, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम लेफ्ट. आर यू सरप्राइज? चलिए थोड़े से अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा. अब इसमें आप देख रहे हैं जो नंबर्स जिनके एंड में जीरो होता है, इन नंबर को हम वैदिक मैथ्स में कहते हैं शून्यांत नंबर्स. जीरो को हम क्या बोलते हैं? शून्य. तो इसलिए जिन नंबर्स के एंड में जीरो होता है उनको हम कहते हैं शून्यांत नंबर्स. और ये जो शून्यांत नंबर्स हैं, दे हेल्प अस टू डू द एडिशन. अब देख रहे हैं आप 76 + 87, इसको आप कैसे वैदिक मैथ्स में ऐड करेंगे? 7 + 8 = 15. अब इसको शून्यांत नंबर बनाएंगे, मीन्स इसके आगे हम जीरो लिख देंगे, इसके आगे हम जीरो लिख देंगे, तो 150. अब इसके आगे हम कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, 150 + 6 + 7, हमारे पास आंसर आ गया 163. चलिए थोड़ा सा और देखते हैं एग्जांपल. अब ये मैंने एक सॉल्व कर ऑलरेडी लिखा था, अब इसको सॉल्व करते हैं. 532, 674, 378. हम यहां से ऐड करना शुरू करेंगे, 5 + 6 = 11, 11 + 3 = 14, तो हमारे पास आ गया 140. अब इसके आगे शुरू करेंगे 140 + 3 + 7 + 7 है, तो देख रहे हैं 7 + 3 = 10, तो 140 + 10 = 150, 150 + 7 = 157. अब इसको शून्यांत बना देंगे, 1570. अब 1570 + 2 + 4 + 8, तो क्विक अगर आप हैं तो आप देखेंगे 8 + 2 = 10, तो 1570 हो गया 1580, 1580 हो गया 1584, जब हमने 4 ऐड करा, और दिस इज अवर टोटल. आप वैसे चेक करना चाहते हैं जो हम जनरल करते हैं, 4 + 2 = 6 = 14, 4 = 11 = 18, 6 = 12 = 15. ये मैंने जो जैसे हम लोग करते हैं कैलकुलेट, उससे आंसर भी चेक करके आपको बता दिया. तो देखा, जहां लेफ्ट से हमने ऐड करना शुरू करा, शून्यांत नंबर बनाया, 14 आया तो उसमें जीरो बन लगाया और कैलकुलेशन करते चले गए. थोड़ा सा और देखते हैं, 47, 21, 63. चलिए शून्यांत नंबर क्या बनेगा हमारा? 4 + 2 = 6, 6 + 6 = 12. शून्यांत नंबर कितना हो गया? 120, 120 + 7 = 127, 28 and 131 हो गया आपका. यस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला. 475, 67, 72, 265. तो हम कैसे करेंगे? 4 + 2 = 6, ये शून्यांत नंबर हो गया 60. दिस मीन्स 60 + 7 + 6 + 7 = 76. तो नाउ चेक, 60 + 7 = 67, 67 + 6 = 73, 73 + 7 = 80, and 80 + 6 = 86. तो यह हमारा बना 86 और शून्यांत नंबर 860. अब 860 + 5 + 7 + 2 + 5. तो जैसा मैं आपसे कहती हूं क्विक करना है, तो 5 + 5 = 10, तो 860 + 10 = 70. 877 + 2.
सो व्हाट डिड वी लर्न इन टुडे सेशन? यस, कैसे हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो दिस वॉज द बिगनिंग, इसलिए मैं लिखकर बता रही थी, लेकिन यही चीज आप ओरल करके देखें तो आप देखेंगे यू विल बी वेरी फास्ट इन योर कैलकुलेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वैदिक मैथ्स. बाय.